आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज। लोकसभा चुनावों में जीत का परचम लहराने की पूरी कोशिश में लगी कांग्रेस प्रियंका गांधी के सहारे आगे बढ़ चुकी है। फतेहपुर जाने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा कानपुर एयरपोर्ट पहुंची, जहां पार्टी के नेताओं ने गुलाब का फूल देकर उनका स्वागत किया। वहीं प्रियंका के अंदाज को देखकर मौके पर मौजूद कांग्रेसी नेता उस वक्त उत्साहित हो गए जब वो एयरपोर्ट से निकलकर सीधे पार्टी पदाधिकारियों से मिलने जा पहुंची। वहीं लाल इमली मजदूरों के हक की लड़ाई लड़ रहे मजदूर इंटक नेता आशीष पांडे के बेहोश होने पर उनका भी हाल लिया। प्रियंका जी के हर कार्यक्रम में हर जगह जहाँ जहाँ प्रियंका जी जाएंगी हम लोग वहाँ पर उनके साथ रहेंगे, और हम लोग एक नई सोच और नई युवा जोश के साथ हर युवाओं को साथ लेकर चलने के लिए और हर युवाओं को साथ मिलाने के लिए, और प्रियंका जी का जैसा युवा जोश भी है और नौजवानों के साथ वो रह रही हैं और मिल रही हैं, तो उसके जोश को बढ़ाने के लिए एक टीम का यूथ फॉरवर्ड हम लोग की टीम है जो उनके साथ हर जगह मौके पर रहेंगे। अच्छा, राहुल गांधी के साथ नहीं रहते आप क्या? सर राहुल गांधी जी का विश्वास नहीं था क्या? नहीं, राहुल गांधी जी का विश्वास पूर्ण विश्वास है और वो तो है, लेकिन प्रियंका जी के हम लोग यहाँ से टीम दे रहे हैं और राहुल गांधी जी भी जहाँ पे जाएंगे वहाँ पे भी जाएंगे। हमारे वहाँ की भी टीम लगी हुई है, हमारी टीम सिर्फ ऐसा नहीं है कि प्रियंका जी, हमारी टीम ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है। बागपत में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे पर बड़ा हादसा पेश आया, जहां हाईवे किनारे टेम्पो का टायर चेंज कर रहे तीन लोगों को ट्रक ने रौंद दिया। हादसे में तीन लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। मृतक गाजियाबाद के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जिनकी अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा था। बहराइच के कैसरगंज बस स्टॉप के नजदीक चाचा भतीजे के बीच हुए विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। भतीजे ने चाकू से चाचा पर ताबड़तोड़ वार किए। ग्रामीणों ने भतीजे को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, जबकि गंभीर रूप से घायल चाचा को सीएचसी कैसरगंज में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि पीड़ित की पत्नी ने तहरीर दी है, जिसके आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। मऊ जनपद में लोकसभा चुनाव 2019 को देखते हुए बीजेपी में युवाओं को एकजुट करने के लिए कोपागंज ब्लॉक में विजय लक्ष्य 2019 के तहत युवा सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के प्रदेश युवा मंत्री पुरुषार्थ सिंह ने पहुंचकर कार्यक्रम को संबोधित किया। यहां उन्होंने कहा कि प्रदेश की 80 सीटों पर बीजेपी युवाओं को एकजुट कर युवा सम्मेलन का आयोजन कर रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा उत्तर प्रदेश प्रदेश के सभी 80 लोकसभाओं में युवा सम्मेलन का आयोजन कर रहा है, जिसमें लगभग 20 लाख युवा भाग ले रहे हैं, और ये इसका लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी की जो योजनाएं युवाओं के लिए हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया एवं अनेक प्रकार की योजनाएं, उनको उनसे युवाओं को अवगत कराना और युवाओं को माननीय प्रधानमंत्री जी से जोड़ना। इस समय लोकसभा की चुनाव की तैयारी चल रही है, पूरा देश के सभी नागरिक लोकसभा के चुनाव में उनको क्या करना है इसके तैयारी में लगे हुए हैं। देश के सभी नागरिक किसको क्या करना है, भारतीय जनता पार्टी 2019 में होने वाले लोकसभा के चुनाव में हर नौजवान मोदी के पक्ष में खड़ा हो, इसके लिए विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन आयोजित कर रही है। यह देश के सभी लोकसभा क्षेत्रों में आयोजित हो रहा है, उसी के अंतर्गत आज घोसी लोकसभा क्षेत्र का यह विजय लक्ष्य युवा सम्मेलन है। इस सम्मेलन में हमारी यह व्यवस्था है और हम यह चाहते हैं कि प्रत्येक बूथ से कम 5 नौजवान आएँ, और यहाँ से जाने के बाद उस गांव का, उस बूथ के, उस गांव में रहने वाले जितने मतदाता हैं, सबका मत भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़े, यह संकल्प लेकर यहां से सारे के सारे नौजवान अपने अपने गांव को जाएंगे। अयोध्या में भी चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन भक्त माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना कर रहे हैं। भक्त माता के स्वरूप का ध्यान कर धार्मिक अनुष्ठान पूरा कर रहे हैं। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों का तांता लग गया। घंटे घड़ियाल की ध्वनि के बीच श्रद्धालु प्रसाद चढ़ा रहे हैं। स्थानीय लोगों के साथ साथ आसपास के जिलों के श्रद्धालु भी माता के दरबार में हाजिरी लगा रहे थे। नॉर्मली हम लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं और हम लोग क्या पूजा होती है 9 दिन की, अलग अलग देवियाँ होती हैं और डेली मंदिर आने के रूल्स मतलब तो नहीं होते, लेकिन हाँ जिसका जैसा हो आने का, हम लोग तो फिलहाल आते हैं बिकॉज यही पास में ही रहते हैं तो फिर आना जाना रहता है। नवरात्र का 9 वर्ष का हिंदी महीना शुरू होता है, इसलिए हम श्रद्धा भक्ति करते हैं और ये मान्यता है कि हमारी आदि शक्ति देवी मैया की प्रार्थना स्वीकार होती है, सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। रामपुर के अजीतपुर में आरटीओ कार्यालय के बगल में चल रहे अवैध अस्पताल मिर्जा नर्सिंग होम पर छापामार कार्रवाई करते हुए आरोपी झोला छाप डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया और अस्पताल को सीज कर दिया गया। वहीं जिन डॉक्टरों की अस्पताल में डिग्रियां लगाकर अस्पताल का संचालन किया जा रहा था, उनके खिलाफ भी स्वास्थ्य विभाग ने कार्रवाई की है।
लखीमपुर खीरी के कंपनी गार्डन में एक चैनल के डिबेट के दौरान समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पर मारपीट करने का आरोप लगाते हुए एसपी कार्यालय के बाहर नारेबाजी की। सपा पक्ष ने मामले की शिकायत महिला आयोग से की है। हंगामा कर रहे सपा कार्यकर्ताओं ने महिलाओं से अभद्रता का आरोप लगाया। संबल में हाकिम अपना पार्टी के प्रत्याशी ने आरोप लगाया कि उनको नामांकन पत्र जमा नहीं करने दिया गया। प्रत्याशी सद्दल शेख की माने तो उनके काफी देर बाहर इंतजार करवाया गया और आखिर में डांट फटकार कर भगा दिया गया। उनका आरोप है कि सपा को उनसे डर था, लिहाजा नामांकन पत्र दाखिल नहीं करवाने दिया गया। लोकसभा चुनाव 2019 में मत प्रतिशत बढ़ाने और मतदाताओं को उनके एक एक वोट का महत्व बताने के उद्देश्य से सिद्धार्थनगर जनपद में एक अभियान के तहत बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा रैली निकालकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसी क्रम में शोहरतगढ़ ब्लॉक के गौरा बाजार के प्राथमिक स्कूल और पूर्व माध्यमिक स्कूल समेत बर्टपुर ब्लॉक के प्राथमिक स्कूल देवरा चौधरी में मतदाता जागरूकता रैली निकाली गयी, जिसमें लोगों से ज्यादा वोट देने की अपील की गयी। अमृतसर में पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर शेरवाला गेट और बस स्टैंड के पास होटलों पर छापेमारी की, जहां रंगरेलियां मनाते हुए कुछ जोड़ों को हिरासत में लिया गया। पुलिस की माने तो सूचना मिली थी कि कुछ लड़कियां ग्राहकों को अपने जाल में फंसाकर होटलों में ले जाती हैं, जिसके बाद इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आप देख रहे हैं लाइव 24 न्यूज़।